मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 सितंबर की सुबह वायुसेना का एक MiG-21 ट्रेनर विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक ग्रुप कैप्टन और स्क्वाड्रन लीडर समेत दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद ये MiG-21 ट्रेनर विमान पास के अलोरी के चौधरी के पूरा गांव में एक मैदान में क्रैश हो गया। गनीमत रही कि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। ग्वालियर से न्यूज के लिए संजय जैन की रिपोर्ट।